नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आइडियल और द मोस्ट पॉसिबल वेज विच यू कैन यूज टू चेंज योर प्रोजेक्ट इंटरनली इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मान लो कि कल को आपको अपना प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगता, तो आप इंटरनली किस तरह से स्विच कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सब चीजों के बारे में बताऊंगा। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दिस वन थिंग, आई डोंट वॉन्ट टू पुट यू इन एनी काइंड ऑफ बबल, बिकॉज देर इज नो गारंटेड वे दैट यू कैन यूज टू चेंज जो प्रोजेक्ट इंटरनली इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी अगर आप ट्रिक को यूज करते हो, वो ये नहीं कि वो प्रॉपरली गारंटी आपको देगा कि इसका अगर आप यूज करोगे तो आप चेंज कर सकते हो। कभी कभी शायद सबसे बेस्ट ट्रिक भी आपके लिए वर्क ना करे, और कई बार क्या होता है कि आप अगर छोटी मोटी ट्रिक ही यूज कर ले तो वो भी आपके लिए वर्क कर सकती है। सो इट ऑल जस्ट डिपेंड अपॉन योर मैनेजर, योर लीड, योर HR, योर RMG, इन सब पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और आप किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, वहां पे आपकी कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं जब भी आप इंटरनली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपना स्विच करना चाहते हो, किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट में जाना चाहते हो। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे केसेस के बारे में बताऊंगा जो कि आप यूज कर सकते हो इंटरनली किसी भी प्रोजेक्ट में मूव करने के लिए, जिसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि बिफोर ज्वाइनिंग एनी प्रोजेक्ट आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लिया है तो उसके अगर 2-3 दिन के बाद या फिर हफ्तों के बाद आप निकलना चाहते हो तो आपको क्या चीजें करनी चाहिए। अगर आपको एक ही प्रोजेक्ट में 3 या 4 महीने हो जाते हैं तो आपको उस दौरान क्या चीजें करनी चाहिए। अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट में 1 साल या फिर 2 साल लगा दिए हैं तब आपको रिलीज किस तरह से मिल सकती है। और 5वीं, एक एक्सेप्शनल केसेस आपको क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, जिनको अगर आप डेफिनेटली यूज करोगे तो बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं आपके पास कि आप अपने प्रोजेक्ट से किसी भी और प्रोजेक्ट में इंटरनली स्विच कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं बिफोर ज्वाइनिंग एनी प्रोजेक्ट। तो मान लो कि आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया और आपको नहीं पता कि वहां पर आपको जाकर किस तरह का काम मिलने वाला है, और फ्रेशर्स के केस में ये ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। उनको जेनरिक प्रोफाइल में हायर किया जाता है, यानी कि उनको कोई भी प्रोजेक्ट दे दिया जा सकता है। उनके ऑफर लेटर में भी ये चीज मेंशन की होती है कि एज पर द रिक्वायरमेंट आपको किसी भी फील्ड में डाला जा सकता है, तो उनके पास भी इतनी ज्यादा चॉइसेस नहीं होती। लेकिन उस टाइम पे मान लो कि जब आपने किसी भी प्रोजेक्ट को ज्वाइन नहीं किया, तो उस टाइम पे आपको सबसे चीज क्या करनी चाहिए कि जब भी आपको कोई भी प्रोजेक्ट अलोकेट किया जाता है तो आप सबसे पहले उसके मैनेजर से जाकर बात कीजिए कि आपका इस प्रोजेक्ट में रोल क्या होने वाला है और आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज टोटल होंगी। अगर आपको डिस्कशन करने के बाद लगता है कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आप जो करना चाहते हो या फिर आपके जो स्किल सेट है उसके साथ मैच हो रहा है, तो आप उसी टाइम पे उनको ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो उस दौरान ही आप पहले ही मैनेजर को जाकर रिक्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो उस टाइम के बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपने अभी तक प्रोजेक्ट को ज्वाइन नहीं किया तो अभी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो मैनेजर को या अपने लीड को या अपने RMG को या फिर अपने HR को कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कत है। जो भी रियल रीजंस होंगे आपके कि टेक्नोलॉजी को लेकर थोड़ा दिक्कत है या फिर आपने पहले ही कुछ सर्टिफिकेशंस की हैं, आपके पास वैसे स्किल सेट हैं जो कि आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट में यूटिलाइज नहीं होंगे, तो आप उन सब चीजों के बारे में बोल सकते हो। लेकिन हाँ, इस दौरान आपको मैनेजर की सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि मैनेजर अगर आपका मान जाता है आपको रिलीज देने के लिए, देन उनके बाद आपको सिर्फ डायरेक्टली RMG के पास जाना पड़ता है, उनको सिर्फ बताना पड़ता है कि मुझे मैनेजर ने अलाउ कर दिया है और अब मैं किसी भी और प्रोजेक्ट में जा सकता हूं। तो ये सारा प्रोसेस आपको फॉलो करने की जरूरत होती है। लेकिन सिर्फ मैनेजर को मनाने से कुछ नहीं होता, आपको RMG को भी उसी तरह से कन्विंस करना पड़ता है जिस तरह से आपने मैनेजर को बोला होता है। लेकिन आपको मैं ये चीज बता दूं कि ये पीरियड आपका सबसे अच्छा वाला पीरियड होता है, क्योंकि ये सबसे इजी पीरियड होता है कि आप आसानी से किसी भी और प्रोजेक्ट में जा सकते हो इंटरनली एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि अभी तक आपकी बिलिंग स्टार्ट नहीं हुई होती, तो आप अभी भी RMG के अंडर ही काम कर रहे होते हो। तो उस टाइम पे RMG के पास अगर कोई और रिक्वायरमेंट होती है तो वो आपको कहीं भी और सेटल कर सकते हैं। सेकंड केस होता है आफ्टर 1 वीक ऑफ ज्वाइनिंग दैट प्रोजेक्ट। अब मान लो कि आपके सामने कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि आपको पहले जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सप्लेन की थी, आप जब एंटर कर गए, जब आपने उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको पता चलता है कि जो आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोली गई थी वो आपको असाइन नहीं की गई और आपको किसी और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डाल दिया गया है। उस टाइम पे आप मैनेजर को बोल सकते हो, विद इन अ वीक भी आपके लिए पॉसिबल होता है उस प्रोजेक्ट से निकलकर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में इंटरनली स्विच करना।
तब भी पॉसिबल रहता है आपके लिए। उस टाइम पे आप डायरेक्टली मैनेजर को जाकर रिक्वेस्ट करो कि मुझे ये चीजें बोली गई थी लेकिन अंदर आकर मुझे कुछ और ही काम देखने को मिल रहा है, तो मैं इसमें ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं। उस टाइम पे भी आपको सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट ही करनी पड़ेगी उन मैनेजर को। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है आपको किसी और प्रोजेक्ट में डाला जा सकता है तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तब आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपका काम सिर्फ यही होता है कि अपने लीड को जाकर, अपने मैनेजर को जाकर उस टाइम पे भी सिर्फ रिक्वेस्ट करो कि मैं इस पर्टिकुलर डोमेन में ज्यादा काम नहीं कर सकता, या फिर प्रॉपर जो भी आपके पास रीजंस होते हैं कि मैंने सर्टिफिकेशन की है, मेरे कोई और स्किल सेट है वगैरह वगैरह, जो भी आपको लगता है कि वैलिड आप उनको कन्विंस करने के लिए चीजें बोल सकते हो, वो सब चीजों के बारे में उनको वहां पे बोल दीजिए। अगर आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है अपने मैनेजर से या फिर अपने लीड से, तो उसके बाद आपको आरएमजी को जाकर रिपोर्ट करना पड़ता है, तो आपको आरएमजी को भी उसी तरह से ही कन्विंस करना पड़ता है। तो उसके बाद अगर वो भी मान जाते हैं देन आप इजीली स्विच कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि बिफोर ज्वाइनिंग एनी प्रोजेक्ट और उसके बाद एक हफ्ते के अंदर अगर आप उस प्रोजेक्ट से निकलना चाहते हो तो ये चीज पॉसिबल होती है। अब बात करते हैं कि आफ्टर 3 or 4 months ऑफ ज्वाइनिंग दैट प्रोजेक्ट, ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से बाहर निकलना, क्योंकि उस टाइम पे मैनेजर और या फिर आपके आपने जिस भी टीम को ज्वाइन किया होता है उन्होंने भी रिसोर्सेस लगाए होते हैं कि आपको प्रॉपर केटी दी जाए, आपको प्रॉपर उन सब चीज़ों के बारे में बताया जाए, तो आपके ऊपर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन हो चुका होता है, यानी कि उन्होंने भी अपना प्रॉपर टाइम वेस्ट किया होता है आपको वो प्रॉपर 3 महीने की केटी देने का, ताकि आप अब प्रिपेयर हो सको किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। उस टाइम पे अगर आप ये चीज़ बोलते हो कि मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम नहीं करना चाहता और मुझे रिलीज चाहिए, तब आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी मैनेजर या फिर लीड ने आप पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया होता है और वो अभी नहीं चाहते होते कि आप इसी टाइम पे बाहर निकले, क्योंकि जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट आप पर उस टाइम पे किया होता है, सिमिलरली अगर आप उस प्रोजेक्ट से निकल जाते हो वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट उनको किसी दूसरे बंदे पे फिर से करना पड़ता है जो कि वो उस टाइम पे अफोर्ड नहीं करना चाहते। तो इसलिए उस टाइम पे आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से बाहर निकलना। मेरी सजेशन आपको यही रहेगी कि उस टाइम पे अगर आपको लगता है कि आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए फिट नहीं हो, तो आप साइड बाय साइड अपना जो भी आप करना चाहते हो, मान लो कि अगर आप पाइथन सीखना चाहते हो तो साइड बाय साइड पाइथन सीखते रहिए, अपने स्किल सेट को इंप्रूव करते रहिए, ताकि आपको कल को अगर मौका मिले किसी दूसरी डोमेन में काम करने का तो आप वो स्किल सेट बहुत आसानी से यूज कर सको। लेकिन हाँ, इस सिचुएशन में आकर आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी प्रोजेक्ट से निकलना। लेकिन हाँ, इन द एंड मैं आपको यही कहूंगा कि उस टाइम पे भी आप अपने जेन्युइन रीजंस उनको बता सकते हैं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो उस दौरान अगर आपके मैनेजर कन्विंस हो जाते हैं, आपके आपने जो भी उनको एक्सप्लेनेशन दी होती है या फिर जो भी आपने रीजनिंग उस टाइम पे दी होती है, अगर उनसे कन्विंस हो जाते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मैनेजर इस स्टेज पे आके कन्विंस बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि उनको पता है कितना ज्यादा आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया होता है, और अगर आप ये सेम चीज वापस उनको रिवर्ट नहीं करके देते तो ऑब्वियसली आप एक नेगेटिव शेड में आ जाते हो, तो उस टाइम पे आपको रिक्वेस्ट का भी ज्यादा फायदा नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आपने ठान ही लिया कि आप इस प्रोजेक्ट में काम नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ मैनेजर को रिक्वेस्ट करिए, अगर वो एग्री कर जाते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है बाहर निकलना, लेकिन अगर वो एग्री नहीं करते तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्विच फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट केस इज आफ्टर 1 year ऑफ ज्वाइनिंग दैट प्रोजेक्ट। तो अगर आपको किसी भी कंपनी में 1 साल हो जाता है देन मैनेजर के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है कि आपको उस टाइम पे रिलीज दें, क्योंकि उस टाइम पे आप पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी चुकी होती है, आपकी बिलिंग भी हो रही होती है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, और उसके अलावा आपकी डिपेंडेंसी बन जाती है उस प्रोजेक्ट के लिए। आपको पता होता है कि प्रोजेक्ट में किस तरह से काम चल रहा है, अगर मान लो कि उस टाइम पे आपको रिलीज कर दिया जाए तो उनको फिर से एक नया रिसोर्स हायर करना पड़ता है, जो मेहनत उन्होंने आप पर की होती है उस टाइम पे वही मेहनत उनको दूसरे रिसोर्स पर करनी पड़ती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए मैनेजर आपको रिलीज नहीं देगा, इसीलिए 1 साल के बाद प्रोजेक्ट से निकलना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जितनी जल्दी आप किसी भी प्रोजेक्ट से निकल सकते हो तो उतनी जल्दी आपके लिए बेटर होता है। वंस यू ज्वाइन एनी प्रोजेक्ट, उसके बाद अगर आपने काफी ज्यादा समय वहां पे बिता दिया होता है तो उसके बाद थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे रिलेशंस बनाने पड़ते हैं अपने मैनेजर के साथ, ताकि वो आपकी कंडीशंस को समझ सके या फिर आपकी बातों से कन्विंस हो सके। उसके अलावा 2 और फैक्टर भी डिपेंड करते हैं कि आपको रेटिंग किस तरह से मिली होती है। मान लो कि उस टाइम पे आपके मैनेजर ने आपको बहुत ही अच्छी रेटिंग दे दी होती है, मान लो कि आपके पास A बैंड आ जाता है,
उस टाइम पे आपके लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से बाहर निकलना, क्योंकि मैनेजर ने आपकी सारी की सारी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी उनको फुलफिल कर दिया, आपको अप्रिशिएट भी प्रॉपर किया कि आपने इतना अच्छा काम किया है पूरे के पूरे साल में जिसके लिए आपको ए बैंड दिया जा रहा है, और उसके बावजूद अगर आप ऐसी चीज़ों की डिमांड करोगे तो उनके लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है आपको रिलीज देना। दूसरी कंडीशन में अगर आपको अच्छा बैंड नहीं मिलता तो आप डायरेक्टली उनको बोल सकते हो कि सर मैंने अपना 100% दिया एंड स्टिल दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस प्रोजेक्ट में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूं क्योंकि वो मेरा 100% से भी ज्यादा था। स्टिल अगर मैं सी बैंड डी बैंड या फिर ई बैंड आप मुझे मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस बैंड को डिजर्व करता हूं, मैं डेफिनेटली रिलीज चाहता हूं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से ताकि मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट में जा सकूं और मेरे वहां पे स्किल सेट यूज हो सके जो भी मैं करना चाहता हूं या फिर जो भी आपके स्किल सेट उस टाइम पे हो या जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो आप उनको ये सब चीजें डायरेक्टली बोल सकते हो। इस कंडीशन में थोड़े बहुत चांस होते हैं आपके उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से निकल के किसी दूसरे प्रोजेक्ट में जाना। अब बात करते हैं एक्सेप्शनल केसेस के बारे में जिनको आप यूज करके बहुत ही आसानी से किसी भी प्रोजेक्ट से निकल सकते हो या फिर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में जाके ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें सबसे पहला केस होता है कि आपके स्किल सेट। अगर आपने अपने स्किल सेट को इतना ज्यादा इंप्रूव कर लिया होता है, अगर उनके ही पोर्टल्स पे सब कंपनीज प्रोवाइड करते हैं कि आप ये सब चीजों का यूज करके अपने स्किल सेट को इंप्रूव कर सकते हो, अगर मान लो कि कल को मैं पाइथन करना चाहता हूं, मैं अगर पाइथन के ऐसे ऐसे कोर्स कर लूं, ऐसी ऐसी सर्टिफिकेशन करके रखूं कि उनको भी लगे कि ठीक है इस बंदे ने बहुत मेहनत की है पाइथन फील्ड में तो इसको चांस देना चाहिए पाइथन में, तो उस टाइम पे आप वो सब रिक्वेस्ट कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा फोकस इस चीज पे कीजिएगा कि बाहर से सर्टिफिकेशन करने से अच्छा आप इंटरनली जितनी ज्यादा सर्टिफिकेशन जितने ज्यादा सर्टिफिकेट या फिर कोर्सेज कर सकते हो वो कर लीजिएगा, क्योंकि इंटरनली इसकी ज्यादा वैल्यू होती है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल। इंटरनली उनको पता है कि आपने उनके सारे टूल्स यूज करके वो प्रॉपर सर्टिफिकेशन की है, तो ऑब्वियसली आप में कुछ तो बात होगी कि आपने वो सारी की सारी सर्टिफिकेशन की और आपको वो नॉलेज भी होगी, तो उस टाइम पे अगर आप रिक्वेस्ट करोगे कि मेरा ये पर्टिकुलर स्कोर इतना हो चुका है तो शायद वो आपको कंसीडर करें और शायद आपके चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं एज कम्पेयर टू कि अगर आपने कुछ भी ना किया हो। एक्सटर्नल भी अगर आपने सर्टिफिकेशन की उसका फायदा तो होता है, लेकिन कई बार उनको ज्यादा कंसीडर नहीं किया जाता। लेकिन यही कहूंगा इंटरनली भी सर्टिफिकेशन करके रखिए और एक्सटर्नल भी सर्टिफिकेशन करके रखिए अगर आप बहुत ही ज्यादा सीरियस हो किसी भी पर्टिकुलर डोमेन से निकल के किसी दूसरे डोमेन में जाना, तब आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन अगर मान लो कि आपके पास सर्टिफिकेशन भी ना हो, आपने के कोर्सेज भी ना किए हो, आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स भी ना हो और आप डायरेक्टली जाकर उनको बोलें कि सर मैं ये चीज करना चाहता हूं और मुझे इस टेक्नोलॉजी में डाल दिया जाए और मुझे इससे रिलीज चाहिए इन इन वजहों से, तब बहुत ही ज्यादा कम चांसेस होते हैं कि आपकी वो बात भी सुनेंगे। तो हमेशा आप कुछ वैलिड रीजंस उनको भी दीजिए कि वो भी उनको कंसीडर कर सके ताकि वो भी आगे जाकर इन सब चीजों के बारे में बता सके कि ये पर्टिकुलर बंदे के पास इतने ज्यादा स्किल सेट हैं जो कि हमें नहीं लगता कि हमारे प्रोजेक्ट में यूटिलाइज होंगे, तो इसीलिए हम इस पर्टिकुलर बंदे को रिलीज दे रहे हैं, ताकि वो भी उन सब चीजों को प्रॉपरली इलेबोरेट करके बता सके। तो आप उनको ऐसे ही रीजंस दीजिएगा, ना कि आप डायरेक्टली उनको जाके ये चीज बोल दें कि सर मेरा इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं काम नहीं करना चाहता इस फील्ड में, मैं नहीं सोचता कि ये फील्ड का आगे स्कोप है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब चीजें आपको नहीं करनी, जो चीजें करनी चाहिए मैंने उसके बारे में आपको बता दिया। इंप्रूव योर स्किल सेट, जितने अच्छे आपके स्किल सेट होंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल चीज रहेगी। सेकंड एक्सेप्शनल केस एक्सपीरियंस वंस के लिए होता है, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए बहुत कम देखने को मिलता है कि उनको पहले प्रॉमिस कर दिया जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर डोमेन में ही रखा जाएगा। एक्सपीरियंस वंस जब भी किसी भी कंपनी में जाते हैं या फिर एक साल एक्सपीरियंस जब आपको हो जाता है किसी भी कंपनी में जाते हैं, तो आपको अगर अच्छा ये चीज बोल दे, अगर मान लो कि ज्वाइनिंग से पहले आपको कुछ प्रोमिस किए होते हैं कि आपको इसी डोमेन में रखा जाएगा, आपसे यही टेक्नोलॉजी पे काम करवाया जाएगा, तब आपको अगर वो वाला डोमेन या फिर वो वाली टेक्नोलॉजी पे काम करने का मौका नहीं मिल रहा, उस टाइम पे आपके लिए स्विच करना बहुत ही इजी हो जाता है इंटरनली कि आप वो सब चीजों के बारे में बता सकते हो कि जब मैंने जॉइनिंग नहीं की थी उससे पहले मुझे कुछ प्रॉमिसेस किए हुए, तो अगर आपके साथ भी कोई प्रॉमिसेस किए हुए हैं तो ये आपके लिए भी वैलिड पॉइंट रहता है और बहुत आसानी से आप किसी भी प्रोजेक्ट में मूव कर सकते हैं। और इन दी एंड मान लो कि आपने बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट कर ली मैनेजर को, लीड को, आरएमजी को, एचआर को, बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट कर ली लेकिन फिर भी आपका प्रोजेक्ट चेंज ना हुआ, देन मैं आपको यही कहूंगा इट्स टाइम टू रिजाइन। तब आप क्या करो कि जो भी आपके पास अगर टाइम बचा होता है, मान लो कि अगर आपका बॉन्ड पीरियड है और आपको पता है कि अभी बॉन्ड पीरियड कंप्लीट होने में 7-8 महीने पड़े हैं, तो आप उन सब टाइम को यूटिलाइज कीजिए अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने में, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसा फायदा नहीं होता कि आप बॉन्ड पीरियड से पहले ही वहां से रिजाइन करके निकल जाओ और बाहर भी आपके पास कोई ऑप्शन ना हो। बहुत ही ज्यादा घटिया टेक्निक होती है जो भी इस चीज को फॉलो करते हैं। हमेशा पहले अपने स्किल सेट को इम्प्रूव कीजिएगा, हमेशा मैं आपको ये चीज कहूं जब आप किसी भी कंपनी में होते हो ना तो वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस काउंट होता है, चाहे आपने वहां पे जाके कुछ भी काम किया हो,
लेकिन वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा काउंट होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस भी काउंट हो और आप बाद में किसी और डोमेन में भी स्विच कर सको, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप साइड बाय साइड कुछ अल्टरनेटिव वे से पढ़ते रहिए। यूट्यूब से पढ़िए, उडेमी से पढ़िए, या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आपके पास हो उन सब चीजों को पढ़ते रहिए। कुछ डेमो प्रोजेक्ट्स बना लीजिए ताकि आप उन सब डेमो प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन कर सको किसी भी पर्टिकुलर इंटरव्यू में, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो यही सब चीजें हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हो किसी भी इंटरनली किसी भी प्रोजेक्ट में मूव करने के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही हो। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।